वास्तविकता बताऊं तो ये लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने नहीं आते हैं, क्योंकि हमने बनाया उनको सरपंच और वो आज हमारी नहीं नहीं सुन रहे। और दूसरे में और वो जो हमारी हिमसी कोई के दादा है, वो हमारे हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आदर्श मार्गदर्शन देते रहते हैं हमें। और दूसरे में सुरेश भैया जो इतने गरीब परिवार से भी होकर के जहाँ पर भी हमें किसी शोषित वंचित परिवार की कुछ बात आए तो उनके लिए मेघनाथ लिखते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं। उनके पास पैसे नहीं रहते हैं जाने के लिए, पर वो कहीं से भी पैदल जाते हैं, साइकिलों जाते हैं, लिफ्ट लेकर जाते हैं, पर जाते हैं जरूर। तो मैं उनका अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी सब जिंदगी में इसी प्रकार संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसी के साथ फिर तीसरा क्वेश्चन था, इस तरह से करना था उधर ना मेरे सामने भी करना था। और एक क्वेश्चन था कि आप सफल जिंदगी में सफल क्यों बनना चाहते हैं, या